वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, भारत माता की जय। वैलेंटाइन डे ना मनाकर जो कुर्बान शहीद होते हैं उनके लिए, भाई देश के जवानों के लिए उनको नमन, सभी शहीद भाइयों को मेरा नमन। वैलेंटाइन डे बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम। ये देखो जब लगेज रखने का सामान होता है ना, लोग वहाँ बैठे हुए, ये देखो धक्का मत दो भाई, हमारे आगे भी कुछ लोग हैं। सेंट्रल रेलवे राजधानी देख सकते हैं यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, आई होप आप सब मजे में होंगे। तो दोस्तों हमारी आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 1215 है साने भोपाल एक्सप्रेस में, जिसे भोपाल एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है, जो कि हफ्ते के सातों दिन चलती है। इस ट्रेन के टाइमिंग के बारे में बात करूँ, ये ट्रेन डेली रात को 10:40 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसे पहले हवेली का नाम से जाना जाता है, वहाँ से खुलती है और अगले सुबह ठीक 7:50 हमें हजरत निजामुद्दीन पहुँचाती है। और इस ट्रेन के पूरे 8 हॉल्ट है और ये ट्रेन 9 घंटे 10 मिनट में लगभग 700 किलोमीटर स्टेज कवर करती है विद स्पीड ऑफ 77 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अभी मैं हूँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर, सामने देख सकते हैं ये जो है ना, ये नई बिल्डिंग है और इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। और वो जो देख रहे हैं ना, वो इसकी पुरानी वाली बिल्डिंग थी और ये इसकी नई बिल्डिंग है। चलते स्टेशन के अंदर फिर। और दोस्तों जैसे आप स्टेशन के अंदर आते तो आपको अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखेगा, देख लीजिए, यही है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा दिख रहा है ये। आपको बिल्कुल नहीं लगा कि भाई ये कोई रेलवे स्टेशन है। और ठीक सामने आपको दिखेगा अनरिजर्व टिकट काउंटर। तो चलते हैं भाई स्टेशन के अंदर फिर। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और अपनी जो ट्रेन है भोपाल एक्सप्रेस यानी कि साने भोपाल, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है, देख सकते हैं पीछे मेरे। और भाई आज अपनी जर्नी होने वाली इस ट्रेन के जनरल कोच में, और उसका जनरल कोच है ना भाई, एक पीछे है और 2 आगे है। हमें थोड़ा सा आने में लेट हुआ भाई, ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी और मुझे मालूम है भाई कि जितने भी जनरल कोच पर चढ़ने वाले पैसेंजर होते हैं वो पहले से आकर सीट पर बैठे हुए होते हैं। देखते हैं भाई हमें अपना सीट मिलता है कि नहीं, उम्मीद तो बहुत कर रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ही डिमांडिंग ट्रेन है ये। चलिए जी अपने ऑन टाइम 10:40। तो भाई अपनी जो ट्रेन है वो रानी कमलापति से निकल चुकी है और अपना जो पहला हॉल्ट है वो है भोपाल, जो कि यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ही है। जल्द आपसे मिलते हैं भोपाल। ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर भोपाल मेट्रो, एलिवेटेड भोपाल मेट्रो, भोपाल को जाने वाली कुछ ही समय और यहाँ पे भाई चढ़ने वाले बहुत से लोग हैं भाई। तो दोस्तों पूरे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अपने स्टेशन का पहला हॉल्ट भोपाल कंडक्शन कोड BPL। और भोपाल में बाद यहाँ पे अपनी ट्रेन पूरे तरीके से पैक होने वाली है। भोपाल के बारे में तो यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म में जहाँ पे पूरे 212 ट्रेनों का हॉल्ट है। और आप भोपाल में आते हैं ना तो भोपाल का जो यहाँ का जो खाने में जलेबी और पोहा है ना, यहाँ का बहुत ही पॉपुलर है। वैसे भोपाल का जो अपर लेग्स लोअर लेग्स ये जो झील है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और भाई यहाँ से अपनी जो ट्रेन है वो पूरे तरीके से जाम पैक हो चुके हैं। ये देखिए भाई, ये है अपना कोच और पूरा कोच के गेट तक भाई ये देखिए भाई देखिए भाई कोच में जगह नहीं है, लोगों को जबरदस्ती घुसा जा रहा है आराम से। तो भाई ये कंडीशन है इस ट्रेन के जनरल कोच का। वैसे आप सामने देख सकते हैं ये बेंगलोर राजधानी जो दिल्ली की तरफ जा रही है और इसके ठीक पीछे पीछे अपनी ट्रेन भी चली गई। बैग आप आगे रख लो, बैग आप वहाँ पे रख, आगे रख लो ये बैग। हाँ सॉरी, अरे हम और तो चाची ने मत पसंद होते चलो। तो यह ट्रेन का कुछ ऐसा कंडीशन हो चुका है, कमलापति से तो अपनी ट्रेन भाई थोड़ी सी खाली थी, भोपाल आते आते अपनी ट्रेन पूरी तरीके से पैक हो चुकी है। ये देखिए भाई गेट के पास कुछ ऐसा कंडीशन है। धक्का 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 मत दो भाई, हमारे आगे भी कुछ लोग हैं। पूरे इतने भीड़ में भाई भीड़ जला के पी रहे थे। तो अपनी जो ट्रेन है वो भोपाल से निकल चुकी है, वो देख लीजिए भाई। और कुछ इस तरह से हम लोग बैठे हैं, अभी मैं अपने सीट पे आ चुका हूँ और कुछ देख लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 लोग भाई अपनी सीट पे बैठे हैं, लाइट आ रहा है ना। और भाई इसी तरह हमें लगभग 700 किलोमीटर का जो दूरी है इसी तरह भाई तय करना है। और ये देखिए भाई
भैया तो भाई थोड़ा सा लेट भी गए भाई, हमें भाई बैठने का भी जगह नहीं है, बस थोड़ा सा जगह मिला इसे मैं बस अपना टेक लगा लिया है। और ये देखिए कोच का कंडीशन कुछ इस तरह से है भाई, देख लीजिए ये देखिए वाले का, ये देखिए भाई भैया को देखो भाई कितना डेंजर तरीके से बैठे हैं ऊपर जाकर आपको डिपार्चर क्या है क्यों मिला उन्हें कर पकड़ पकड़ पकड़ो बिल्ली आ जाओ दादा बिल्ली है बिल्ली है आ गया। तो भाई आज तारीख है 14 फरवरी, और जैसा कि आपको मालूम हो भाई आज ब्लैक डे से भी जाना जाता है, ब्लैक डे बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम तो भाई ये देखिए वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद 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 जो भाई वैलेंटाइन डे ना मनाकर जो कुर्बान शहीद होते हैं उनके लिए भाई देश के जवानों के लिए उनको नमन, सभी शहीद भाइयों को मेरा नमन, सभी को मेरा नमन। और वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद भाई, वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, हम वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। अब भाई अपने वैलेंटाइन डे भारतीय जोश है। और ये देखिए वैलेंटाइन डे को मुर्दाबाद बता रहे हैं और भारत माता के नारे लगा रहे हैं। और सभी लोग एसएससी फिजिकल देखा है क्या? इसीलिए तो भाई सभी फ्यूचर आर्मी वाले हैं। यस यस वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं गंज बसौदा, और गंज बसौदा में टोटल 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे 54 ट्रेनों का हॉल्ट है। और गाइस यहाँ पे भी बहुत से लोग चढ़े हैं और उतरे हैं, और भाई यहाँ पे ये जो भाई लोग हैं यहाँ पे काफी जर्नी कर रही है, लेकिन अब मोहली अलग बन चुका है भाई, ट्रेन के अंदर। और ये सब लोग पेपर दे के आए हो ना? जी डी का पेपर दे के आए हो? ये लोग ग्वालियर मुरैना तक जाएंगे और ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ आज क्या कर रहे हैं? ब्लैक डे सेलिब्रेट। तो भाई लोगों का देख सकता है भाई, वैसे अपने ट्रेन का ग्रीन सिग्नल हो चुका है, तो चलते भाई अपने ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं। नंगे पैर आ गए थे आप देख लीजिए, हम लोग नंगे पैर आ गए थे, ये देखिए। चलिए डिपार्चर हो भाई, पैर दिखा रहे हो यार तुम। चल इन लोगों ने स्टेशन के अंदर सच में भाई ट्रेन का गंज बसौदा में पूरे 2 मिनट का हॉल था। और ये रहा भाई गंज बसौदा का स्टेशन बोर्ड, और ये भाई लोगों ने भाई क्या एनर्जी दिखाई है भाई लोगों के लिए, भाई कमेंट में जरूर जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के वॉशरूम में, अगर वॉशरूम का जो कंडीशन है ना बहुत ही बुरा हाल है गाइस, मतलब दिखाने लायक भी नहीं बचा है, सिर्फ मिरर जो है ना वही साफ सुथरा है, अपना फेस देखिए, कमोड भी साफ सुथरा है, लेकिन भाई फेसियल का जो कंडीशन है ना वो बहुत ही बुरा हाल है, फेसियल दिखाने तक लायक नहीं है। लेकिन अभी जो देख सकते हैं नीचे भाई मग वगैरह सब कुछ से देख लीजिए, ना फेसियल दिखाऊंगा ना ही आपको कमोड दिखाऊंगा, क्योंकि वास्तव का जो कंडीशन है ना बहुत ही बकवास है। चलते हैं अपने सीट पर भाई, और किसी तरह एडजस्ट करके जर्नी को कम्प्लीट करना ही है भाई, जैसे आप सीट पर वहाँ से जर्नी को इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत गंदगी है यार यहाँ पर। तो दोस्तों लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं बीना दर्शन कोटे BIN, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लगभग आधे घंटे डिले,
बिना मेट उठा छः प्लेटफॉर्म में जहाँ पे पूरे 172 ट्रेनों का हॉल्ट है। और बिना का जो गेहूँ जो है ना वो ज़्यादा मतलब अपने गेहूँ के प्रोडक्शन के लिए गेहूँ के क्वालिटी के लिए बिना जाना जाता है। और वैसे अपने भाई लोग अभी तक जगह है भाई, घर पे टाइम कितना हो गया? एक बज चुका है भाई, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही अभी तक। नींद आने का भी नाम ही नहीं है, इतना जोश अंदर तक भरा हुआ है। भाई को देख लो, एक इसको देख लो, ये देखो, ये सोए हुआ कहाँ है, ये देखो, जब लगेज रखने का सामान होता है ना लोग वहाँ पे बैठे हुए, ये देखो सब लोग जगह है, ये देखो। तो भाई जोश बना हुआ है। और हाँ, मैं बिना में नीचे नहीं उतरा क्योंकि भाई देख लीजिए गेट के पास क्या कंडीशन है, अगर मैं बार बार नीचे उतरूंगा चढ़ूंगा तो भाई लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए भाई मैं ऊपर बैठे बैठे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। हमारे कोटा में जब मैं पढ़ता था हाँ? तो वहाँ पे 14 फरवरी को 2 दिन मनाते हैं, जब तो ये पुलवामा हुआ नहीं था उससे पहले मातृ पितृ दिवस पूजन दिवस मनाया था। भाई के लिए ताली, भाई के लिए ताली। वैलेंटाइन डे हमारे लिए है नहीं, हम लोग भाई सिंगल लोग हैं, नहीं चाहिए सब। डबल हो फिर भी नहीं होगा। तो भाई अभी घर में बज रहे रात के 2:30 देख सकते हैं, अगर आपको मोबाइल में दिख रहा हो तो ये देखिए 2:30 बज चुके हैं और टाइम बच के अपने सोने के भाई क्योंकि नींद भी थोड़ी बहुत जरूरी है। वैसे भी लगभग 5-6 घंटे से हम लोग नॉन स्टॉप पर भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी जनरल कोच में। अभी खिड़की बन चुके से मैं क्रॉसिंग बाहर से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन कोई ट्रेन जा रही है भाई। तो अभी चलते हैं सोने, मिलते हैं आपसे, आँख खुलेगी वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। झांसी जो है ना वो मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, इस बार भाई झांसी को स्किप करते हैं। चलिए मैं जैसे अपने झांसी के बाद शायद ग्वालियर मुरैना कदा भी आँख खुली वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. तो भाई अभी घर में बज रहे हैं सुबह के 5 और अपने भाई साथी लोग थे, सब लोग यहाँ पे विदा ले रहे हैं हमसे। भाई अपने नाम बता दो भाई, नाम मेरा नाम आदित्य तोमर है, आदित्य तोमर ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अपना नाम बता दो सबसे। संजीव रावत। संजीव रावत। मेरा नाम कुलदीप रावत है। अच्छा और भैया अपना नाम भी बता दो। हरिओम राठौर। ये देखो कैसा लग रहा है भाई, ये देखो भाई सबसे विदा लेते हैं भाई। चलो मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं कभी कभी, आता हूँ कभी ग्वालियर मुरैना, जब भी आऊँगा फोन जरूर करूँगा मैं। फोन करना भाई। हाँ जरूर जरूर जरूर। ग्वालियर भोपाल आओ तो स्पेशली। हाँ भोपाल आए तो भाई से मिलेंगे स्पेशली। भाई ग्वालियर मुरैना किसी में आओ ना। हाँ मिलते हैं कभी। हाँ बिल्कुल, जब भी अगली बार। तो भाई भाई से विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे जर्नी के दौरान। तो तो दोस्तों लगभग 700 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन, जिसका दर्शन कोड है NZM। और आपकी ट्रेन यहाँ पहुँची है पूरे 1.5 घंटे डिले। जर्नी एक्सप्रेस के बाद तो जर्नी एक्सप्रेस भाई बहुत ही बढ़िया रहा, रास्ते में बहुत सारे जोशीले युवा मिल गए थे जिनकी वजह से भाई नींद पूरी तरीके से गायब हो गई थी। और जर्नी में जब मज़ा आता है ना वो बात ही अलग है। उसे साफ सफाई के बाद तो साफ सफाई बहुत ही बढ़िया था, अपनी ट्रेन थोड़ी सी पंक्चुअल नहीं है, 1.5 घंटे डिले आई। और इसका तो मैंने हिस्ट्री देखा था भाई, ये ट्रेन पिछले कई महीनों से भाई लेट ही लेट आ रही है। वैसे यहाँ पे अभी एक ट्रेन आई है सेंट्रल रेलवे राजधानी, देख सकते हैं यहाँ पे ये। तो चलते हैं भाई, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं आप सबसे जल्द किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।